प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ ना यार, यार मैं तुम्हारे बिना कर रहे हो आपकी, तुम पागल हो क्या यार? नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना यार, यार तुम लोगों ने नाटक लगा रखा है क्या? जा रही हूँ आज के बाद तुम मुझे कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है? बहुत ज्यादा हो गया ये। तन यार रुक जाओ ना यार, तुम नहीं रुकोगी? आज खुद को ही मार लूंगा। आंख भर आई है, दिल घबराया है। मुझे पीने का शौक नहीं। सो राम राम जी सभी भाइयों को। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। तन्ने के ऊपर एक और मैं प्रैंक लेकर के आया हूँ, बहुत ज्यादा ऑसम वाला। वो जो इसने प्रैंक किया था ना पिछला वाला प्रपोजिंग प्रैंक, उसकी वजह से ना यार तन्ने बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। वो भी बैंगलोर जाने की बात कर रही है, मतलब कि अब नहीं आएगी वीडियो में, ऐसा कुछ उसने बोला हुआ है। तो आज मैंने उसको पर्सनली मिलने के लिए बुलाया हुआ है। आज मैं पेट्रोल प्रैंक उसके ऊपर करूंगा, ठीक है? पेट्रोल अभी लेने जाऊंगा इंट्रो के बाद, तो पेट्रोल प्रैंक मैं उसके ऊपर करने वाला हूँ। उसको बोलूंगा कि तन्या यार हमको छोड़ करके क्यों जा रही है तू, मतलब। तो देखते हैं उसके क्या रिएक्शन रहते हैं। पेट्रोल प्रैंक में करने वाला हूँ, रियल पेट्रोल है भाई। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा। आते हैं फिर वीडियो के बाद। अबे साले लगा ले चंदू कैमरा, शायद आ रही है वो, इधर से ही आ रही है। क्या हो गया? हाय, कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या है मतलब, क्या हो गया तुमको? बोल रही हो कि मैं पिंकी बता रही थी कि तुम छोड़ करके जा रही हो, हमारे साथ शूट पे नहीं आओगी। हाँ, थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आ गई है? जाना पड़ रहा है यहाँ से थोड़ा। मुझे सुनने में आया है कि जो प्रपोजिंग प्रैंक किया था कि अब आपकी के साथ शूट पे नहीं जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या ड्रामा लगाते रहते हैं, कभी कोई प्रपोज करता है कभी कोई, ऐसा कुछ। वैसे शूट भी हमारा ऐसा ही होता रहता है ना कि। अब तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम जा ही रही हो बैंगलोर? यार एक बात करनी थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। हाँ, देखो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुमको भी पता है ना। मेरे को ना एक बात बतानी थी यार, जिस दिन हम पार्क में फर्स्ट टाइम मिले थे ना, पता होगी वो वाली बात, जब तुम तीन लड़कियां थी, तुम थी और तुम्हारी दो फ्रेंड भी होंगी, ठीक है? मैं तुमको ना तभी से पसंद करता हूँ। मैंने देखो तुमको कभी सच्चाई नहीं बताई यार, मैं सोच रहा था कि मतलब प्रदीप भी तुमको ऐसा कुछ है पसंद वगैरह जो भी सीन है, तो प्रदीप की वजह से मैंने एज अ मतलब दोस्ती में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है? अब तो देखो मेरे को क्या लगा था मेरे साथ हम काम करेंगे, ठीक है? काम करेंगे तो तुम मतलब हमारे साथ रहोगी, मेरी जो फीलिंग्स है वो मैं तुमको बता पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, ठीक है? अब तुमने सीधे ही बोल दिया कि तुम छोड़ करके जा रही हो बैंगलोर। मैं सच में तुमको ना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ यार, मैंने आज तक ना किसी तुमको बताया ही नहीं ये सारी चीजें। देखो अक्की तुम समझ नहीं रहे, देखो रिलेशनशिप में आने के बाद पता है तुम्हें कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है तो रिलेशनशिप में क्यों आना? अब फ्रेंडशिप कैसे चलेगी, तुम तो छोड़ के जा रही हो। तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं चैनल को छोड़ के जा रही हूँ तो मैं टीम मेंबर से बात नहीं करूंगी या टीम के साथ नहीं रहूंगी। हाँ वीडियोज में नहीं रह सकती, अदरवाइज मैं वैसे रह सकती। देखो प्रदीप की वजह से अगर जो प्रपोजिंग प्रैंक है अगर वो गलत हुआ हो या फिर कोई भी बात हुई हो तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार। यार प्रदीप की तो बात ही अलग थी, अब तुम ही अलग बात कर रहे हो कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो मुझे जो बोलना था मैं तुम्हें बोल दिया और तुम्हें जो बोलना था वो भी तुमने बोल दिया। देखो जो बात है वो क्लियर है, ठीक है? अब फिलहाल मैं जा रही हूँ, मुझे काम भी है। यार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो तान्या, क्यों जाओगी तुम? देखो मुझे इम्पोर्टेंट काम था, मैं काम छोड़ के आई थी, मुझे नहीं पता था ये सारी बकवास होगी, ठीक है ना? फ्रेंडशिप की अलग बात होती है, ये सब मैं जा रही हूँ। यार रुको ना, कहाँ जा रही हो? आओ सही एक बार आओ बैठो, मेरे को यार बात करनी है तुमसे। तुम ऐसे जा रही हो यार, लास्ट टाइम ही सही, तुम अच्छे से बात तो कर लो मुझसे। तुम्हारे पास 10 सेकंड है बात करने का। यार ऐसा नहीं होता है ना तान्या कि 10 सेकंड है, अब मतलब मैं उस लायक रह गया कि बस 10 सेकंड ही। अब लास्ट टाइम तो बात कर लो ना एक बार। तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हें जो बोलना है देखो जल्दी बोलो, मेरे पास काम है। कभी तुम अपनी बात करते हो, कभी प्रदीप अपनी बात करते हैं, क्या चल क्या रहा है? ये फ्रेंड की बात अलग होती है, हर कोई रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम कभी कुछ। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, अच्छे फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहो यार। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा चैनल पर रहने का, बात तो खैर मैं चैनल छोड़ के जा रही था, मुझे चैनल में ही नहीं रहना चाहिए किसी के साथ। तो यार ऐसे नहीं होता है ना तान्या, यार मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। यार पसंद, देखो
दुनिया में हर इंसान हर किसी को पसंद करता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके साथ रिलेशन। तुम्हारी फ्रेंडशिप भी कहाँ से रह जाएगी, एक बात बताओ, तुम बैंगलोर जा रही हो, कैसे रह जाएगी फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं होती है, रिलेशनशिप यार सब बोलने वाली बात होती है कि खत्म नहीं होती। तुम वहाँ पे बैंगलोर में हो, मैं यहाँ पे गुड़गांव में हूँ, तो कैसे हमारी फ्रेंडशिप रहेगी? गुड़गांव में कितना डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस इतना भी बहुत है, ठीक है? फ्रेंड फ्रेंड अच्छे लगते, ठीक है यार, मेरे को नहीं पता ये सब। देखो बाकी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं जा रही हूं यहां से। सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही यार, ऐसा नहीं करो ना तान्या, देखो मैं नहीं रह पाऊंगा, तुम आओ ना इधर को आओ ना। नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब तो समझ ही नहीं आ रहा, दिखाना है फीलिंग्स। जब मेरे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, तो तुम अपनी अकेले की फीलिंग दिखा के क्या करोगे? फाइनल डिसीजन है तुम्हारा, ये मेरा फाइनल है यार, प्लीज रुक जाओ ना तान्या, नॉर्मल फ्रेंड रुक जाओ ना। सब जान के ना बन अनजान सोने, प्लीज रुक जाओ ना यार, ऐसे छोड़ के हम कैसे काम करेंगे यार चैनल? यार देखो चैनल पे काम करने की अलग बात है, ये सब क्या है तुम्हारे बिना? आपकी तुम पागल हो क्या यार? नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना यार। यार ये कौन सी बात हुई, तीन चार दिन में कौन सा प्यार हो जाता है यार? प्लीज यार ऐसा मत करो, ठीक है? तुम लोगों ने नाटक लगा रखा है क्या? तुझको तरस ना आया, ना देखी मेरी मजबूरियां, सीधी हरकत है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। कभी तुम कभी प्रदीप, देखो मैं जा रही हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे चैनल को भी सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। आज के बाद तुम मुझे कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है? बहुत ज्यादा हो गया ये, मुझे लगा था कुछ काम है, पर तुमने यहाँ पे नाटक करने के लिए बुला लिया, मैं जा रही हूँ। तान्या रुक जाओ ना यार, तुम नहीं रुकोगी? ठीक है, एक इंसान से तो प्यार करता हूँ, वो भी नहीं है, आज खुद को ही मार लूंगा। आंख भर आई है, दिल घबराया है। लाइटर का छोटा सा प्रैंक ही कर रहा था बस, ऐसे कोई प्रैंक नहीं होती है, ठीक है ना? तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, प्रैंक प्रैंक प्रैंक, जब देखो तब प्रैंक होता रहता है तुम लोगों का। लगा मेरे को आग लग गई है यार, ऐसा कौन करता है? मजाक कर, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करती। सो भाइयों मैं क्या बताऊं यार, तान्या इस बार सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, आग वाग भी लगा दी हुई है, अब तो मैं उससे पक्का बात नहीं करने वाली हूँ, लेके दे रहा हूँ। अभी भी मैं बोल रहा था मैं इंट्रो वो आउट्रो देना है, प्रैंक कर रहा था मैं, लेकिन फिर भी नहीं मानी, छोड़ के चली गई, ठीक है? आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूंगा। राम राम।